अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान ख्वाजा और आप देख रहे हैं अरसलान है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप 4K वीडियो या हाई डेफिनेशन वीडियो अपने अडोब प्रीमियर के अंदर वीडियो एडिटिंग के लिए डालते हैं तो आपका जो अडोब प्रीमियर है वो बहुत ज़्यादा लैग करता है या आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा लैगिंग शुरू कर देता है। आप अपनी फुल HD वीडियो को बड़े ही स्मूथली चला सकते हैं और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो भी लैग नहीं करेगा, बिल्कुल स्मूथ परफॉर्म करेगा। बस आपको करना क्या है कि आपको अपनी फाइल्स की प्रॉक्सीज बना लेनी है। कैसे बनते हैं ये प्रॉक्सीज, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। तो Adobe Premiere के अंदर ऑलरेडी मैंने दो फाइल्स रखी हुई हैं जो कि 4K रिजल्ट में मैं आपको दिखा भी सकता हूँ जो कि 4K में है। तो हमने अब करना क्या है, आप दोनों वीडियोज को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप यहां से प्रॉक्सी वाली ऑप्शन पे जाएं और क्रिएट प्रॉक्सी पर क्लिक कर दें। क्रिएट प्रॉक्सी क्लिक करने के बाद याद रहे इस स्टेप को करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके कंप्यूटर में अडोब मीडिया इनकोडर इंस्टॉल हो, वो आपने लाजमी इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने यहाँ से H.264 जो MP4 का फॉर्मेट होता है वो कर लेना है और यहाँ से आपने जो भी लोएस्ट रेजोल्यूशन है अपने कंप्यूटर के सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर 1280x720 की रेजोल्यूशन आपके कंप्यूटर पर अच्छे तरीके से चलती है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। अगर 1280x720 की रेजोल्यूशन भी आपके कंप्यूटर पर लैग करती है एडिट करते वक्त तो आप इससे भी कम रेजोल्यूशन रख सकते हैं, 1536। तो मैं इस 1536 वाली ऑप्शन को यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ से मैंने लोकेशन देनी है कि मैंने किस जगह पे प्रॉक्सी फाइल सेव करनी है, तो मैं अपने उसी फोल्डर में जाके जहाँ पे मैंने ये फाइल रखी हुई है वहाँ पे जाकर मैं सेव कर लेता हूँ। लोकेशन देने के बाद आपने जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है तो आपका Adobe मीडिया इनकोडर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और उसके अंदर ये हमारी जो प्रॉक्सीज हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हमारी फाइल्स हैं वो क्रिएट होना शुरू हो गई है, प्रॉक्सी हमारी ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो गई है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर और डिपेंडिंग ऑन योर फाइल्स। अगर आपकी फाइल्स बहुत ज़्यादा है, पूरी शादी का इवेंट है, आप उसको कन्वर्ट करना चाह रही हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो पूरी 4K में है, बहुत सारी फाइल्स हैं, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं और 1 घंटा भी लग सकता है, वो आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो आपने जब अपनी फाइल्स अपनी यहाँ पे पुट कर लें उसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है कि तमाम फाइल्स को प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर लेना ताकि जब आप उसको एडिट वाली लाइन में लेकर जाएं, टाइमलाइन पे लेके जाएं, तो वो कंप्यूटर आपका बिल्कुल भी लैग ना करे और आपको किसी किस्म का भी मुश्किल ना आए। हमारी जो प्रॉक्सी फाइल कन्वर्ट होने का प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है, हमारी जो दोनों फाइल्स हैं अब वो प्रॉक्सीज हमारी बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली इन दोनों फाइल्स को उठाना है और अपनी टाइमलाइन पे रख देना है। अब प्रॉक्सी फाइल्स तो बन गई हैं लेकिन अब हमने इसको एक्टिवेट भी करना है, तो आपने इस वाली ऑप्शन पर जाना है, टगल प्रॉक्सीज, आपने इस ऑप्शन को इनेबल करना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रही तो सिंपली आपने इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास ये वाली जो ऑप्शन होगी यहाँ पे मौजूद होगी, जैसे कि ये मौजूद है, आपने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी। तो जब हमारी प्रॉक्सीज क्रिएट होने के बाद आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है तो अब क्या होगा, आपने देखा कि हमारी जो स्क्रीन है वो छोटी हो गई और थोड़ी सी रेजोल्यूशन में फ़र्क आ गया, अब ये 4K नहीं है। अब इस वक्त जो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले देख रहे हैं वो आप डिस्प्ले देख रहे हैं जो हमने 1536 वहाँ पे रेजोल्यूशन लगाई थी, यानी जो हमारा प्लेबैक में जितना भी होगा, यहाँ पे प्लेबैक में जितना भी हमारी वीडियो चलेगी वो 1536 रेजोल्यूशन में चलेगी। तो अब आप यहाँ पे जितनी भी एडिट करें, जितना भी काम करें, तो वो आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा से डिसेबल करूँ तो ये हमारा वापस है वो 4K में चला जाएगा और फिर हम फील करेंगे, आप ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखिएगा, जब हम इस ऑप्शन को बंद करेंगे, डिसेबल करेंगे, तो हमारी जो वीडियो है उसमें लैग आना शुरू कर देगा और जब हम इसको इनेबल करेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही स्मूथ चलेगी। और जूँ ही मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो मेरी वीडियो में लैग आएगा क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो हैवी है और मेरा कंप्यूटर उसके मुताबिक नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी फुटेज एज ए प्रॉक्सी बनाने के बाद अपनी फुटेज को कलर ग्रेड करें तो उसके लिए आप प्रॉक्सी को एक दफ़ा डिसेबल कर लें। उसकी वजह यह है कि ताकि आपको एक्चुअल कलर नज़र आए, जो 4K में कलर थे वो आपको नज़र आए, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से उसको कलर ग्रेड कर सकें और उसके बाद दोबारा आप प्रॉक्सी को इनेबल कर सकते हैं। तो आपने जब फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी पहले वाली फाइल थी 4K फाइल थी वही एक्सपोर्ट होगी, ना कि वो फाइल एक्सपोर्ट होगी जो आपने प्रॉक्सी कन्वर्ट की थी। अब जैसे कि यहाँ पे मैं प्रॉक्सी को इनेबल ही रखता हूँ, मैं डिसेबल नहीं करता, मैं कंट्रोल M से इसको एक्सपोर्ट की कमांड देता हूँ, तो इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो
रेजोल्यूशन है वो 4K ही है, यानी ये 4K ही में अपलोड होगी। सिर्फ जो इसका टाइमलाइन पे प्लेबैक होता है लो रेजोल्यूशन में होता है। तो मैं अगर इस फाइल को एक्सपोर्ट करूँगा तो ये फाइल मेरी 4K रिजल्ट में ही एक्सपोर्ट होगी। तो मैं अपनी फाइल में जाता हूँ और ये मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसी अगर मैं आपकी प्रॉपर्टीज चेक करवाऊँ तो आप देख सकते हैं कि जो ये फाइल है वो अपनी एक्चुअल रेजोल्यूशन में ही अपलोड हुई है। तो इस तरह आप अपने Adobe Premiere को फास्ट कर सकते हैं, अपनी एडिटिंग को फास्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए अरसलान हैक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज अरसलान हैक को लाजमी फॉलो कीजिएगा।